देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। रुड़की में एसडीएम प्रेमलाल ने पॉलिथीन को लेकर बुध बाजार वोल्ट क्लब पर छापेमारी की और कुछ दुकानों से पॉलिथीन बरामद कर तत्काल ही उन दुकानों के दुकानदारों का चालान किया। वहीं एसडीएम ने बताया कि वहां से गुजरते समय उन्होंने देखा कि यहां पर कुछ दुकानें लगी है जिन पर पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तभी उन्होंने छापेमारी कर एक दुकान से पॉलिथीन बरामद कर नगर निगम के अधिकारियों को सूचना दी और दुकान स्वामी का चालान किया। वहीं दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि आगे से पॉलिथीन का उपयोग न करें और यदि किसी अन्य दुकान पर भी पॉलिथीन पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से नसीम मलिक की रिपोर्ट। यहाँ से निकल रहा था तो यहाँ पे सब्जियों की फलों की दुकानें थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा चेक कर लूँ सडनली। तो फिर हमने चेक के दौरान एक दुकानदार के पास कुछ पन्नी पाई गई है, ये मैंने नगर निगम वालों को बुला लिया है, वो उससे चालान करेंगे, कुछ जुर्माना करेंगे। और इन लोगों को बता दिया गया है कि इनके पास अगर कोई स्टॉक है भी पुराना तो उसको नगर निगम में जमा कर दें। और अन्य कितनी दुकानें आपने देखी जिनमें पन्नियाँ नहीं मिल पाई? अभी यहाँ पे लगभग जो है 10-20 दुकानें हैं, एक बार सिंगल दुकान में ये मिला है और जगह लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं और एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है सर। अभी इसमें हम लोग 1000 रुपये का चालान करेंगे, इस पर कार्यवाही जारी रहेगी, देखते हैं फिर कितना जो है लोग। हमारा प्रयास ये है कि लोग धीरे धीरे सब अवेयर हों और ये पॉलीथीन का इराडिकेशन बिल्कुल कम्प्लीटली हो जाए और रुड़की को एक स्वच्छ शहर बनाने में हम सब लोग जो है प्रतिबद्ध हैं। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।